आज सुनेंगे 3 अक्टूबर 1969 की अव्यक्तवाणी, संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। किसको देखते हो, कौन किसको देख रहे हो? 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। वैसे तो परवाने समा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो समा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या है और परख क्या है? हरेक ने सुनाया। आप सबने जो सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो समा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती है। तो आप सबको यहाँ भट्टी में किस लिए बुलाया है? तो ये चार बातें सुनाई, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम न होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं, हम तो हैं सही लेकिन इतने परसेंट। तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे, वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्र की काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिरा होने वाले, दूसरे होते हैं सोच समझ कर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझ कर हर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्र काटने वाले। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। सुना, दूसरे प्रकार के परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज़ इतनी चलती नहीं है। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगाने के लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छापा अगर नहीं लगा तो मालूम है क्या होगा? जैसे छापा न लगी चीज की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएंगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोह का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गलकर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गई।
नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। यह पांडवों का यादगार है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्टी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते, अंडरलाइन करो। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न न करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसीलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात यही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। डबल अंडरलाइन लगाएंगे, मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वही परख है संपूर्ण परवाने के। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ें होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्रपन की मत कहीं कहीं यूज कर लेते हो। इसीलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एकरस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदि बन गए हैं। इसीलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसलिए अपनी आदत होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा।
जब पांडव सेना तैयार हो जाएंगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। अभी ही हम सभी यह वायदा प्यारे बाप दादा से दिल से करें। ओ मेरे प्यारे बाबा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं सुनूंगा, जो मैं करूंगा, सो श्रीमत के अनुसार ही करूंगा। तो बाबा ने कहा, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते हो। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बन करके ही निकलेंगे, बदल करके ही निकलेंगे, यह सोचकर आए हो ना, घबराहट तो नहीं होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएंगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते तो घबराहट आती है, जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है। लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसीलिए जब भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएंगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, इनमें जो नंबर वन होंगे उनको क्या देंगे, भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेंगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे, हम तो नंबर वन में आएंगे, दो नंबर वाले को नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो नंबर वन पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो वन जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है वा बिंदु रूप हो ही। टीका कितने प्रकार के होते हैं, आज तो आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज्य भाग का। बिंदु रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।